नट में तो बंद रहेगा बट कल सुबह पता चलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है गाइस सोनामर्ग के नज़ारा। तो इससे नीचे बर्फ ज़्यादा जमा है इस कंपेयर टू सोनामर्ग। अभी हो चुका है टाइम 8 बजे और यहाँ पे बर्फबारी तो हो रहा है लेकिन नीचे जम नहीं रहा है बिल्कुल भी। एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम बट यहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं। तो मैं थोड़ा वहाँ ट्रैफिक के पास जाके देखूँगा, अगर वहाँ पे ट्रैफिक जाम होगा तो आपको अपडेट का पता चलेगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं, नहीं तो अगर यहाँ पे अगर रोड बंद होता ना तो पूरे यहाँ पे गाड़ियाँ जमा होता, तो बट बिल्कुल भी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं है। और देख सकते हो हल्की से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। तो जस्ट जब भी आगे बढ़ रहा हूँ तो सोचा कि एक वीडियो साथ बनाते जाओ लोगों के लिए। अब सोनामर्ग से आगे बढ़ चुका जी हम। ये रहा सोनामर्ग का गाँव, देख सकते हो। अब सोनामर्ग गांव भी क्रॉस हो चुका है तो जस्ट 200 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक वाला होगा, वहाँ पर गाड़ियों को रोका होता है। तो देखेगा कि वहाँ पे क्या सीन है आजकल। तो वीडियो आपको पूरे देखना और हाँ चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस फाइनली हम ट्रैफिक वाले के पास पहुंच चुका है और यहाँ पे देख सकते हो कोई भी गाड़ी नहीं है। तो इससे रिजल्ट ये मिला कि दिन में गाड़ी को छोड़ दिया था बट अभी के टाइम में बंद रख सकते क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह लॉक किया हुआ है, रोड बंद किया है, इसलिए गाड़ी को नहीं छोड़ना चाहते हैं रात को। शायद दिन में गाड़ियाँ चला था ऊपर की ओर क्योंकि यहाँ पर कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं। अभी देख सकते हो यहाँ पर बर्फबारी तो हो रहा है कंटिन्यू, अगर ऐसे रहा तो नट में तो बंद रहेगा बट कल सुबह पता चलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे।